हर स्त्री अपने आप में छोटी मोटी अग्नि परीक्षाएं जरूर दे रही है। जो भी चल रहा है आज समाज में हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं। जी हाँ, त्रेता युग के सीता हमारे सामने कलयुग में विराजमान है। अब हम पता करते हैं कि त्रेता युग और कलयुग में क्या अंतर है। जी सीता मैया, इस कलयुग में सीता की उपयोगिता क्या है? जी, सीता की उपयोगिता यह है कि तब भी सीता ने अपने नारी धर्म का जो है पालन किया था और सभी स्त्रियों को ये एक संदेश दिया था कि हमें जो है अपने नारीत्व के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। वो आज भी जारी है। एक स्त्री को समाज में अपने एक जो स्थान बनाने के लिए जो उस वक्त उन्होंने लड़ाई लड़ी थी वो हम आज भी लड़ रहे हैं, तो फ़र्क ज़्यादा नहीं है। समानता आज भी है, हर घर में एक ना एक सीता जरूर है जो अपने स्वाभिमान के लिए, अपने नारीत्व के लिए ज़रूर लड़ रही है। संक्षिप्त में सीता के आदर्शों का आप वर्णन करें। सीता जी के आदर्शों का मैं ये कहूँगी कि वो एक ही बहुत सरल स्वभाव की स्त्री थी, पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। सबसे ऊपर उन्होंने अपने नारी धर्म को, अपने स्त्री धर्म को और अपने स्त्रीत्व को बहुत महत्ता दी, इम्पोर्टेंस दी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं ये कहूँगी। और एक बहुत अच्छी माँ भी थी जिन्होंने अकेले अपने बच्चों का लालन पालन किया जब तक कि वो अपनी जिम्मेदारी समझने लायक हुए और उन्हें राम जी को सौंपा। तो वो हर तरह से एक संपूर्ण स्त्री थी जो कि हर मायने में, आज हो, कल हो या आने वाला कल हो, हर मायने में वो हर स्त्री के लिए एक आइडल है, एक आदर्श है। त्रेता युग की सीता अग्नि परीक्षा देने को तैयार थी। आज कलयुग में हर स्त्री सीता के रूप में है, लेकिन क्या वो अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है। मैं कहूँगी कि हर रोज़, हर तरह, एक हर अलग अलग तरीकों से, मायनों से हर स्त्री अपने आप में छोटी मोटी अग्नि परीक्षाएं ज़रूर दे रही है। जो भी चल रहा है आज समाज में हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं। जो अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है वो हर तरह से एक अग्नि परीक्षा है, एक छोटे मोटे रूप में। तो वो तब भी था, वो अब भी है। तो हर स्त्री में एक सीता का अंश जरूर है, मैं ये मानती हूँ। हजारों साल बाद आज समाज में रोज सैकड़ों सीता यानी नारियों का चीर हरण हो रहा है, तब सीता आज होती तो क्या कहती? सवाल पूछ रहे हो आप, कमाल है। जी वो होती तो वो तब भी जो उन्होंने किया था स्त्रीत्व के लिए, जो उन्होंने एक संदेश छोड़ा था वही वो आज भी करती। उन्होंने अपने स्वाभिमान का मान रखते हुए जब उन्हें लेने के लिए राम गए वो नहीं लौटी, इसीलिए कि जिस राज्य में उनके स्वाभिमान पर उंगली उठाई गई थी यही उनकी लड़ाई थी कि जहां उंगली उठाएगी वो नहीं आई। ये लड़ाई आज भी जारी है। वो होती तो आज भी वो जरूर कुछ ना कुछ जरूर करती समाज की स्त्रियों के लिए। हमारा देश महिला और पुरुषों से मिलकर बनता है, देश की आधी आबादी नारियों की है, तो आज के नारियों को सीता से क्या प्रेरणा लेने की जरूरत है? हमारा देश स्त्री और पुरुष से मिलकर बनता जरूर है, पर पुरुष प्रधान तब भी था और आज भी है। तो सीता जी से प्रेरणा वही मैं कहूँगी जो उन्होंने तब भी किया था, एक अपने स्त्रियों के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो उस वक्त लड़ाई शुरू की थी अयोध्या छोड़कर, वही आज भी करती और करना भी चाहिए। अपने हक के लिए अगर आपको खड़ा होना पड़े, अपने स्वाभिमान के लिए अगर आपको लड़ना पड़े, उसके लिए कुछ भी छूटे कुछ भी टूटे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अगर आपका स्वाभिमान जिंदा है तो आप जिंदा हैं। आज के हर महिलाओं के लिए, हर लड़कियों के लिए, हर नारी के लिए दो शब्द सीता की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे बढ़कर अपना स्वाभिमान है, पहले आप हैं। हम एक जननी हैं, हम जन्म देने की शक्ति रखते हैं तो हम चलाने की शक्ति भी रखते हैं। इसीलिए कभी अपने आप को किसी से कम ना समझें और किसी भी आपके साथ कुछ भी अत्याचार हो उसके लिए कभी झुकना भी नहीं चाहिए। लड़ाई तब भी जारी थी, आज भी है, लेकिन स्वाभिमान हर धर्म, आपके पत्नी, माता, पुत्री, हर धर्म से ऊपर आपका स्त्री धर्म है, उसका हनन कभी ना होने। रामलीला के दौरान जहाँ सीता राम का लीलाओं का मंचन होता है, इसी रामलीला में 9 दिनों तक माँ दुर्गा, माँ काली की पूजा भी होती है, तो क्या सीता को आज कलयुग में काली दुर्गा बनने की जरूरत है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जब जब अगर ऐसी आवश्यकता उठती है तो जरूर। अगर आप रामायण संक्षेप में पढ़ें तो सीता ने भद्रकाली का रूप लिया था, और वो अगर आपको जरूरत है
तो सीता को लेने की जरूरत है। अगर जहाँ अत्याचार अत्यधिक बढ़ रहा है स्त्रियों पर, नारियों पर, तो सीता होती तो वो रूप जरूर धारण करती। आप पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं इस 10 दिनों के पात्रों के अलावा, जीविका कैसे चलता है? जीविका मैं फिलहाल तो अभी हाउस वाइफ हूँ, 1 साल हो गए मुझे अपने जो है प्रोफेशन छोड़े हुए। मैं जॉब में रही हूँ हमेशा, इससे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट में थी, उसके बाद मैंने MNC ज्वाइन किया, बट अब मैं एक माँ हूँ, 7 साल का मेरा एक बेटा है, उसके साथ मेरी दिनचर्या गुजरती है, घर संभालती हूँ, नवरात्रे हैं, व्रत होते हैं, पूजा पाठ होती है, और जी बिल्कुल ये दिन होते हैं बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, एक ब्लेस्ड फीलिंग रहती है, क्योंकि मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मुझे मेरी ज़िंदगी में ये किरदार निभाने का मौका मिला, समाज को एक संदेश देने का मौका मिला। इस